हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि केरला और तमिलनाडु में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। आज इसी पर हमारे साथ जुड़े हैं पटना से COVID-19 रिसर्चर डॉक्टर प्रभात रंजन। नमस्ते। जो पिछले 2 साल से कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं, साथ ही पिछली 2 लहरों में हजारों कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। टुडे डॉक्टर्स आर बिजियर देन एवर प्रोवाइडिंग केयर एंड एडवाइस टू पेशेंट्स। And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. Dr. Ranjan, मैं आपसे पहला सवाल यही जानना चाहती हूँ कि केरला और तमिलनाडु में हर रोज 22 से 25,000 केसेस आ रहे हैं, क्या इसे हम तीसरी लहर की शुरुआत कह सकते हैं? तीसरी लहर की शुरुआत या सेकेंड वेव्स के बीच का जो माइनर पिक्स बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट टीथिंग बोलते हैं, जैसे आरा का जो टीथिंग होता है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स की वेरिएशंस आते हैं, वो भी बोल सकते हैं। एक्चुअली केरला से लेसन लेने की टाइम है भारत को और दूसरे राज्यों को। अभी जो सेरो सर्वे आया है ICMR का, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो केरला में 47% के अराउंड सेरो पॉजिटिविटी COVID-IgG की आई, और वहाँ वैक्सीनेशन भी दूसरे राज्यों से सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर भी उनके केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो साइंटिफिकली इसको 3 तरीके से हम लोग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। एक तो जब हमारी सेरो जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं वो 50% के नीचे जा गई है, जैसे दूसरे स्टेट में 67-70 इसके आसपास है, जो कि डिजायर्ड हर्ट इम्यूनिटी WHO ने भी बोला कि यदि 70% प्लस में आप रहते हैं तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस घट जाएंगे काफ़ी। तो उससे जब 50% से नीचे आप गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी केसेस बढ़ने लगे हैं। एक कारण ये हो सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी का घट गया है या प्रॉपर नहीं डेवलप किया। दूसरा, ये डेल्टा जो सेकेंड वेव्स में हमारे कंट्री में तबाही मचाया था, उसका भी वेरिएंट्स कई रिपोर्ट्स आए हैं कि डेल्टा के और डेल्टा प्लस के में भी वेरिएशंस, न्यू म्यूटेशंस आ चुके हैं। सो हो सकता है कि कोई नया म्यूटेशंस जो या तो रिपोर्टेड है या अभी रिपोर्टेड नहीं हुआ है, जो जीनोमिक्स स्टडी वहाँ पे ICMR लोग कर रहे हैं उसमें नया पता चले, वो न्यू वेरिएंट वहाँ कोई पैदा हुआ हो, या जो डेल्टा के पहले से 3 वेरिएंट्स पता चले हैं या डेल्टा प्लस के भी 2 नए वेरिएंट्स पता चले हैं, तो उनमें से कोई प्रीडोमिनेंट अब वहाँ पे रोल प्ले कर रहा हो और वो हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन ड्राइव्स जो वहाँ पे ज़्यादा हुए हैं उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात, जो कोरोना में केरला में जो केसेस बढ़े हैं तो अब देखेंगे कैजुअलिटी उस रिस्पेक्ट्स में अभी नहीं बढ़ी है, तो हमें ये देखना होगा नेक्स्ट 15 और 30 दिन में कि जो पेशेंट्स अभी बीमार हो रहे हैं उनके कैजुअलिटी बढ़ते हैं या वो सारे रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स उनके माइल्ड और मॉडरेट डिग्री के ही हैं। डॉक्टर, क्या वजह है कि सिर्फ केरला और साउथ इंडिया की कुछ स्टेट्स में 13% की रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि सिर्फ केरला की ही आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो वैक्सीनेट हो चुकी है?
हाँ ये सीनरी आप देखेंगे यूके में जो है अभी वहाँ पे काफ़ी हाई सर्ज हुआ है, खास के उनके पूछे के स्टेट्स में तो काफ़ी ज़्यादा, फ्लोरिडा हैं और भी कुछ हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, और अभी यूएसए में 95,000 96,000 तक हाईएस्ट पिक रिसेंटली लास्ट 7 डेज में रिपोर्टेड हुए हैं। तो ये सर्ज सिमिलरली केरला में भी उस तरह से राइज हो रहे हैं, अचानक से शार्प हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के बाद हो रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम आप यूएसए में भी देखेंगे तो वहाँ लोगों ने मास्क का मैंडेशन खत्म कर दिया था, मैंडेटरी जो था पहले उसको वहाँ के गवर्नमेंट ने, सीडीसी के गाइडलाइंस ने, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या ऐसे भी कि अपनी इच्छा पे छोड़ दिया था, लॉफुल नहीं था। तो सिमिलरली आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे तो, और केरला में अभी फेस्टिवल्स वगैरह हुए हैं पूरे इंडिया में, तो उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि वहाँ पे लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को थोड़ा कम फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर, क्या हम इसे कोरोना का नया वेरिएंट मान सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये पहले के वेरिएंट से किस प्रकार अलग और कितना अलग है? हाँ, क्या ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है? नेक्स्ट 15 डे में एक आप यदि केरला को वॉच करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा, ये जो नया वेरिएंट माने जो शार्प राइज है वो न्यू वेरिएंट के कारण है या जस्ट पुराने जो आपका डेल्टा और डेल्टा प्लस घूम रहा था उसके कारण ही। क्योंकि नेक्स्ट अभी जो बीमार हो रहे हैं पेशेंट्स उनके कैजुअलिटी या रिकवरी नेक्स्ट 15 डेज में डिसाइड होंगे, तो उसी पे बेसिस पे इसके सीवियरिटी की ये कितना लीथल है हमें और आपको पता चल पाएगा। क्योंकि अभी तो पॉजिटिव हो रहे हैं, अभी डिजीज हो रहे हैं, अभी वो हॉस्पिटलाइज हो रहे होंगे तो उनका इलाज चल रहा होगा, तो कितने रिकवर होंगे उसमें से और कितने की कैजुअलिटी होगी आप अभी गेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको 10 से 15 दिन वेट एंड वॉच में रहना होगा। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, क्या वैक्सीनेशन की डोसेज के हिसाब से जो थर्ड वेव में कोरोना के सिम्टम्स होंगे वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं? अगर किसी ने हाँ एक डोज लगाई है या दो डोजेज लगाई है तो उनके सिम्टम्स डिफर होंगे? ये लास्ट ईयर जब 2020 में स्टार्ट हुआ था कोरोना, आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से जब पूरे वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट शुरू हुआ था, जो प्राइमरी सिम्टम्स उस समय लिस्टेड किए गए हमारे WHO के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और डिफरेंट मेडिकल काउंसिल्स जो भी रिसर्च के लोग थे उनके द्वारा, तो वो सारे सिम्टम प्राइमरी थे कि आपका लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल का लॉस और फीवर और स्नीजिंग वगैरह, उसमें काफ़ी चेंजेज हुए हैं वर्ल्ड वाइड। अब आप यदि सोसाइटी को डिवाइड करना चाहेंगे कोरोना के हिसाब से तो आप चार तरह के पॉपुलेशन बोल सकते हैं, खास के अर्बन एरिया में। एक तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना से सफ़र किए थे, जिनकी लंग इंजरी वगैरह हुई, RT-PCR पॉजिटिव थे और उन्होंने वैक्सीन का एक डोज या दो डोज लिया है, तो ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो गया। दूसरा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आपका हुआ जिन्होंने अभी एक डोज लिया वैक्सीन का। तीसरा पॉपुलेशन हुआ जो कि दोनों डोज ले लिए हैं और उनके 30 से 40 दिन बीत चुके हैं, जो कि इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सफिशियंट होता है। और चौथा डोज हुआ जो कि कोविड से कभी RT-PCR पॉजिटिव नहीं हुए हैं और उन्होंने अभी वैक्सीन भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है या नहीं लिया है। तो ये मेजर चार कैटेगरी को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड या केरला में भी देखेंगे तो ये डिस्टॉर्टेड है, पहले जैसे इजी था, पेशेंट्स खुद बोलते थे कि सर मेरा स्मेल नहीं आ रहा है या टेस्ट नहीं आ रहा है, अब उस तरह से सिम्टम्स परमानेंट या इजी नहीं रहा, अब मिक्स टाइप के सिम्टम्स आते हैं, किसी को GIT डिस्टर्बेंस होता है, किसी को सर्दी खांसी है, या किसी को सिर्फ हेडेक है, या किसी को सिर्फ फीवर हुआ 1-2 दिन और ठीक हो गया, फिर RT-PCR कराया तो पॉजिटिव आया। दूसरा क्या है कि अब इतने तरह के वेरियस प्रेजेंटेशन उनके हो गए हैं, तो इम्पैक्ट गया है ये वैक्सीनेशन का, कोरोना इन्फेक्शन होने का, जो सोसाइटी चार सब ग्रुप में डिवाइडेड हो गई है अभी COVID-19 के वेव्स के कारण और वैक्सीनेशन ड्राइव के कारण। ये टोटली अब काफ़ी इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप स्केयरी बोल सकते हैं कि आप इसको ओवरलुक कर सकते हैं, पेशेंट्स भी ओवरलुक कर सकते हैं और डॉक्टर भी ओवरलुक कर सकते हैं कि कोविड का पेशेंट है कि नहीं है। यदि इस तरह के एबनॉर्मल सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं आपके पास तो आपको RT-PCR और रैपिड एंटीजन कराना चाहिए। हाँ डॉक्टर, आप ये बताइए कि हम हर्ड इम्यूनिटी तक कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो थर्ड वेव के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम की बात कर रही हैं, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव का जो सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, WHO के डाटा के हिसाब से अभी 40 out of 100 48% लोगों ने वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लिया है,
लेकिन ये डिफरेंट पॉपुलेशन में जाएंगे तो हर स्टेट वाइज 10% है, किसी कंट्री में किसी में 12% है, किसी में 32% है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ की काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं वहाँ भी केसेस मिल रहे हैं नए वेरियंट्स के कारण। सो हर्ड इम्यूनिटी का जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं, या तो आप उसको वैक्सीनेशन से डेवलप करें, या अभी जैसे सेकेंड वेव्स इंडिया में आया था तो ये काफ़ी एग्रेसिव था, काफ़ी ज़्यादा हाई स्प्रेड था, काफ़ी कंटेजियस था, काफ़ी लोगों को हुआ, कुछ लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट हुए पॉजिटिव हुए, कुछ लोगों के नहीं हुए, कुछ के निगेटिव आए लेकिन उनके लंग फाइंडिंग्स फिर भी पॉजिटिव थे कोविड के, या उनके फैमिली में कोई पॉजिटिव था तो इसलिए उनको कोविड का पेशेंट समझा गया। तो ये जो सेकेंड वेव्स इंडिया में आया था उसको भी आप यदि हर्ड इम्यूनिटी के लिए काउंट करेंगे तो लकली उसने आपके एक मास पॉपुलेशन को हर्ड इम्यूनिटी जनरेट किया है, जो कि अभी आईसीएमआर ने डिफरेंट स्टेट में सर्वे किया था तो कुछ एक स्टेट में 73-74% तक हर्ड इम्यूनिटी पाया गया कुछ एक एरिया में, और सबसे कम केरला में 44 और 45 ऐसे कुछ परसेंटेज उनका हर्ड इम्यूनिटी था। तो ये हर्ड इम्यूनिटी जो अभी जनरेट हुआ है या वैक्सीन से जनरेट हो रहा है तो वैक्सीन कंपनियां आपको बताती नहीं है कि ये इम्यूनिटी कितने दिन सस्टेन करेंगे। अभी एक दो लिटरेचर में पब्लिश हुआ है कि वो भी 4 से 5 महीने सस्टेन करता है वैक्सीन पोस्ट वैक्सीन, और फिर आपको इसीलिए कुछ एक ओल्ड पेशेंट्स या जो ज़्यादा डिजीज हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं उनमें बूस्टर डोज की बात हो रही है थर्ड डोज की। सो ये इम्यूनिटी आपका 5 महीने तक इस लेवल पे सस्टेन करता है जहाँ कि आपको इन्फेक्शन होगा भी तो डिजीज उतना सीवियर डेवलप नहीं होने का चांस है 99%, फिर भी कुछ लोगों में हाई ग्रेड का डिजीज डेवलप कर जाता है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी आप जब 70% के आसपास लेके जाएंगे वैक्सीनेशन से या पोस्ट ये वेव्स जैसे सेकेंड वेव्स के बाद इंडिया के मेजर पोर्शंस में हैं तो ये आपको एक सेफ्टी पॉइंट देता है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया के बाकी पार्ट्स में अभी केसेस काफ़ी कम है, वो आपका ये सेकेंड वेव से जो हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हुआ है उसके कारण है। ओके डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि मिडल और अपर मिडल क्लास तो अभी भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोअर क्लास की बात करें तो अभी बड़ी आबादी जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रही है। हम मार्केट्स में देखते हैं कि वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये थर्ड वेव के लिए एक बड़ी वजह बनेंगे क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट तो उनसे भी होता है? देखिए आप इसको रिक्लासीफाई कर सकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कि हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स बोलते हैं फॉलो करने के लिए लोगों को, तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में ये अब क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड एजिटेशन है इसके अगेंस्ट, लोगों में एग्रेशन है, इनर्सिया है, थोड़ा सा इग्नोरेंस है। सो ये हर क्लास के लोगों में है, हाँ नेचुरली लोअर सोशियो इकोनॉमिक और मिडिल क्लास के लोगों में थोड़ा ये इग्नोरेंस ज़्यादा है, अपर हायर क्लास जो है वो थोड़ा ज़्यादा जेन्युइनली इसको यूज करते हैं मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को। सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी मोर और लेस आपको कहीं नहीं दिखेगा इंडिया के किसी पार्ट में मेंटेन होते किसी भी प्रीमिसेस में, सो बहुत कम जगह बच गया है सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम। सो मास्क है अभी काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ये खतरनाक है क्योंकि COVID-19 का वायरस अभी भी आपकी सोसाइटी में मूव कर रहा है और आप एज ए हेल्दी कैरियर उसको एक दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं। आप इन्फेक्टेड हैं, आपको डिजीज नहीं डेवलप किया, आप समझ रहे हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा लेकिन आप में कोविड का वायरस है और आप वो दूसरे को दे रहे हैं, और वो दूसरा कोई यदि कमज़ोर व्यक्ति है यदि उसको कोई बीमारी पहले से है या इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर है तो उसमें डिजीज डेवलप कर सकता है। तो मास्क जब आप पहनते हैं तो सिर्फ आप अपने को ही नहीं बचाते हैं, आप दूसरे को इन्फेक्शन देने से भी सोसाइटी को इन्फेक्शन देने से भी आप सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये है। और दूसरा मास्क पहनने में काफ़ी गड़बड़ियां हैं लोगों को, ये मैं बार बार जब भी इंटरव्यू देता हूं तो लोगों को बताता हूं। पहला तो डबल मास्क ट्रिपल मास्क जो लोग करते हैं वो एकदम रॉन्ग एटीट्यूड है। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है क्या कि आप दो मास्क को कंबाइन ना करें, इससे इन्फेक्शन बढ़ने का या दूसरे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तीसरी बात है क्या कि जब भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के मास्क यूज कर रहे हैं, यदि आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर साफ सफाई, यदि आप रोज नया सर्जिकल मास्क ट्रिपल लेयर नहीं खरीद सकते हैं तो कपड़े का यूज कर रहे हैं तो उसका आपके पास 3-4 सेट्स होने चाहिए और प्रॉपर उसका सफाई सैनिटाइजेशन का आपका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपके दूसरे इन्फेक्शन कोविड का ना भी हो तो दूसरे इन्फेक्शन जो बाहर से लेके आप आ रहे हैं वो घर में किसी को दूसरे डिजीज का हो सकता है, रेस्पिरेटरी वायरस का या आपको हो सकता है। सो प्रॉपर यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि N95 मास्क जो है
वो मैं देखता हूँ कि रोड पे बहुत सारे कुछ लोग N95 लगा के यूज करते हैं। N95 है वो बहुत बढ़िया मास्क है, लेकिन वो एक्चुअली पार्टिकुलर जहाँ हाई इन्फेक्शियस एरिया है उसके लिए, जिस समय हाई स्प्रेड है या आप उस हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने पेशेंट को लेकर, हाँ क्लोज हैं, तब आप N95 यूज कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइबल है। लेकिन नॉर्मल कॉस्ट में N95 नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे आप लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो सफोकेशन होगा, उतना कंफर्टेबल नहीं है। और जब आप सिंपल, मैं एक बार मास्क का डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ कि ये सर्जिकल मास्क है, इसको लगाने का तरीका जो है तो सिंपली है कि आप इसको ऐसे लगाएं और इसको नाक पे इसके अपना कवर करें और प्रॉपर इसको ढक के रखें, तो जिससे क्या होगा कि आप जब इसको दबा के रखेंगे तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है आपके सर्जिकल मास्क। तो ये प्रॉपर तरीका है, इसमें आप यदि कहीं भी जाते हैं, जब भी घर से बाहर जाएं तो आप पक्का जाएं, समझ गए, और इसको यूज करें तो आपको ये 100% है। जब आप घर वापस लौटते हैं तो इस मास्क को उतार के आप प्रॉपरली उसको जैसे फेंकना है वैसे फेंकें, तो ये आपके घर को और आपके वर्क प्लेस दोनों जगह काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। और सर्जिकल मास्क अभी आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जब शपथ ग्रहण हो रहा था दूसरे मंत्रिमंडल शिफ्ट का, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारा सर्जिकल मास्क ही लगा रखा था। तो एक मैसेज भी था प्राइम मिनिस्टर का कि सर्जिकल मास्क जो है सो बेस्ट है। ओके डॉक्टर, मैं आपसे लास्ट सवाल यही जानना चाहती हूँ कि अगर हम माने कि थर्ड वेव आती है हिंदुस्तान में तो कैसी स्थिति रहेगी, क्या ये दूसरी लहर जितनी खतरनाक तो साबित नहीं होगी? नहीं, वर्ल्ड वाइड जैसे कुछ एक, ये एक बड़ा डबल एज क्वेश्चन है, समझ गए, कि इस पे आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि ऐसा खतरनाक नहीं होगा या खतरनाक कम होगा या खतरनाक होगा, थोड़ा प्रिडिक्ट करना अभी मुश्किल है। आप फ्लोरिडा का केस लेंगे यदि यूएसए का, तो वहाँ हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफ़ी बढ़ गया है और वहाँ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस भी हो रहे हैं। आप यदि इंडोनेशिया ब्राज़ील का बात करेंगे तो वहाँ थर्ड वेव्स में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, इंडोनेशिया में तो पार्टिकुलरली थर्ड वेव्स आ चुका है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, ऑक्सीजन से लेके सारे चीज़ वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस है। तो ये आप नहीं बोल सकते, चूँकि आपकी पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो स्ट्रेंथ पॉपुलेशन है वही प्रॉब्लम भी है। सो हमारे 90% एरिया जो है सो हाईली पॉपुलेटेड है, स्पेशली अर्बन एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। यदि उसका एक स्मॉल फ्रेगमेंट भी अफेक्टेड होता है आपके थर्ड वेव में, जो हर्ड इम्यूनिटी आपका सस्टेन करता है वो 4 से 5 महीने करता है, तो उस हिसाब से बिहार या नॉर्थ इंडिया में जिस समय हाई वेव्स थे उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नवंबर में जाके डिक्लाइन होने का चांस बनता है कि ये उस समय कमजोर हो जाएगा सोसाइटी का हर्ड इम्यूनिटी, तो नवंबर ऑनवर्ड आपके केसेस बढ़ने के चांस बनते हैं। लेकिन यदि आपके उस जो पॉजिटिव होंगे उसके एक स्मॉल फ्रैक्शन परसेंटेज भी यदि हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपके पॉपुलेशन के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने, यहाँ बिहार सरकार भी और भी बाकी स्टेट्स काफ़ी उसके लिए अभी से वर्क कर रही हैं, हॉस्पिटल के नंबर्स या बेड्स के नंबर्स या उस तरह के कोविड फैसिलिटी वाले बच्चों के लिए बढ़ाने की कोशिश जारी है, लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये किस रेस्पेक्ट में आएगा, किस रेशियो में होगा, ये अभी एग्जैक्ट गेस करना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। अगर आप भी चाहते हैं कि हम तीसरी लहर की तरफ ना बढ़ें और ऐसी किसी स्थिति में ना आएं जहां हमें अपने किसी को खोना पड़े, तो प्लीज़ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जितना हो सके भीड़ भाड़ से बचें। स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलते चलते बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9।